देखिए सर, ये एमआई का गूगल टीवी आप अभी आप लिए हैं, ये रहा गूगल टीवी। ये देखिए आपका सेटअप बॉक्स है नॉर्मल वाला, इसमें ऑटोमेटिक जैसे एक बार पावर ऑन किया और एक बार पावर जैसे ऑन किया और ये इस पे एवी पे चलना चाहिए, मतलब ये सेटअप बॉक्स से खाली हुई ना। तो अभी देखिए इसमें सेटिंग है, ये रहा गूगल टीवी और ये रहा MPG2, ये लाल पीर वाला कोड लगा हुआ है। देखिए कोई सा भी बॉक्स आपके पास ऐसा कोड लगा हुआ है, एवी कोड या HDMI, ये कर सकते हैं। इसके लिए सर सेटिंग है, ये कौन सा सेटिंग ऑन करेंगे ये देखिए, ये होम बटन है, होम बटन ऐसे दबा फिर ऐसे करके आप आएंगे, फिर एक बार ऊपर जैसे ये होम, उसके बाद ऐसे ये सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग पे एक बार ओके करेंगे, इससे लेफ्ट राइट करके ऊपर नीचे और ये सबसे नीचे इधर आ जाएंगे सर, सिस्टम ये देखिए सिस्टम पे आ जाएंगे, सिस्टम ऐसे करके देखिए, फिर से ये सेटिंग पे ये ऐसे करके ओके करेंगे और ये सबसे नीचे देखिए रिमोट एंड एसेसरीज के ऊपर सिस्टम, सिस्टम के बाद क्या करेंगे इससे नीचे ऊपर नीचे करके लाए और ये देखिए अभी पन्नी हटा दिया, ये इस साइड करेंगे और ये देखिए इसमें क्या करेंगे पावर एंड एनर्जी, देखिए इससे ऐसे करके आ जाएगा अबाउट एक्सेसरी, ये ऐसे करके नीचे आएंगे पावर एंड एनर्जी, इस पे देखिए इस पे और नीचे दिखा देते हैं, ये रहा इस पे ओके करेंगे, इस पे ओके पावर एंड एनर्जी पर आ जाएंगे और ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं होते रहता है तो आप क्या करेंगे ऑफ करके ऑन करेंगे ये आ जाएगा, ऐसा आपका ओपन ऑप्शन आ जाएगा इस साइड देखिए, फिर क्या करेंगे इससे इस साइड आ जाएंगे, मतलब इससे लेफ्ट राइट करके जैसे इधर दिख रहा है तो इस साइड आ जाएंगे। इस पर क्या करेंगे गूगल टीवी होम स्क्रीन ये नहीं करना है, लास्ट यूज इनपुट इस पे आपको टिक लगा देना, पहले आपका इस पे रहेगा तो ये गूगल से चलेगा, इस पे लास्ट इनपुट्स पे टिक लगा देंगे, टिक लगाने के बाद देखिए बैक आएंगे और जैसे ये लैब टीवी करेंगे आपका सेटअप बॉक्स ऑन रहेगा और ये कोड से कनेक्ट रहेगा, लैब टीवी पे जैसे क्लिक करेंगे ये चालू हो गया। अभी देखिए जैसे ये पावर ऑफ करेंगे ये भी मोड आ गया, पावर ऑफ किया फिर ऑन किया और ये देखिए आप रिमोट में भी चाहे तो आप इधर से दबा सकते हैं पावर ऑन वाला, नहीं तो देखिए अभी जैसे ये इधर हम रिमोट का नहीं यूज करेंगे, देखिए ये रहा रिमोट यहाँ पे रख दिया और ये यहाँ पे भी अगर दबा देंगे ये पावर वाला एक बार, बस ये पावर ऑन होगा और ये देखिए सेटअप बॉक्स भी ऑन हो गया, MI का लोगो आ जाएगा, ये देखिए MI टीवी, ये रहा MI का आ गया लोगो ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है कैमरा में, गूगल टीवी ऐसे ही ऑन होगा, देखिए अभी चालू हो जाएगा जो बोले वही चालू हो जाएगा और ये देखिए गूगल टीवी आने के बाद ये होम पेज नहीं आएगा, सीधा लैब टीवी चालू, देखिए ये आ रहा है, देखिए अभी ऑटोमेटिक रिमोट भी यही सेटअप बॉक्स पे ही है, देखिए चालू हो गया मतलब सेटअप बॉक्स है, देखिए फिर बाकी नेट उट से देखना है तो आप ऐसे करके होम दबा दीजिए तो ये नेट से आ जाएगा, बाकी लैब टीवी कीजिएगा तो अपना डिश से आ जाएगा, जी हाँ ठीक है देख लिया सर, अभी शॉर्टकट में कर दें, खाली एक बार आप पावर ऑफ यहाँ से करेंगे ऑन करेंगे और एक बार खाली ये वाला दबा देंगे बस, इसके बाद अपना सेटअप बॉक्स का रिमोट रहेगा उससे आप चैनल आगे पीछे कीजिएगा, ये रिमोट का नहीं यूज होगा, ये रिमोट यूज होगा नेट चलाने के लिए। अच्छा ठीक है सर, ये अभी देखिए ऑन कर देते हैं, यहाँ से भी आप ऑन कर लीजिएगा बेड पे से, नहीं नहीं यहाँ से आप बेड पे से ही ऑन कर लीजिएगा, हमें ऐसे ही दिखा रहा है जी हाँ, ऊपर वाला ऑन करने का, हाँ ऑन करने का, नीचे वाला ये वॉइस असिस्टेंट है, कुछ बोलिएगा तो आइए आ जाए सर्च करेगा, नेट से कनेक्ट करने का। अच्छा अभी देखिए सर, एक बार आप खाली ऑन कर दिए और ये MI लिख रहा है गूगल टीवी और ये डायरेक्ट ये AV मोड से चालू हो जाएगा, अभी सेटअप बॉक्स पे चला गया, जैसे आप टीवी पहले आपके पास जो टीवी था ये सब हो गया सब नेट यूज करने के लिए, नेट वाला नेट से जी नेट से कनेक्ट करेंगे तब जाकर के ये रिमोट यूज करेंगे।